हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई आईएएस का पेपर हो या यूपीपी का पेपर हो। ठीक है, टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीपी में 100% पूछा जाता है, और जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ये हमारा भाग वन है, भाग टू इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। भाग वन में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति को हम शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपसे बोलेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में हम पहले देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या चीज़ है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की शासन प्रणाली आती है। ठीक है, नंबर एक आती है संसदीय सरकार, ठीक है, और नंबर दो आती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की शासन प्रणाली आती है, नंबर एक संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली हम कह सकते हैं, नंबर दो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। समझ गए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय सरकार के बारे में क्या है। ठीक है, ध्यान रखना कि जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति से बनते हैं हम सभी फैक्ट को इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, जितने सेंटेंस के आगे ये हाथ का एरो बना हुआ है, ठीक है, वो सभी लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रत्येक लाइन को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसदीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या NOT, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अगली जो हमारी लाइन है, वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में एक बात ध्यान रखना कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इसकी जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस था, बट मैं इम्पॉर्टेंट तरीके से जब मैंने देखा तो मैंने इसको अलग अलग कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, ठीक है, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो कौन है, तो ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री भी दे देगा, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और राष्ट्रपति को टिक कर देता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिली, एक चीज़ थोड़ा सा समझ के देखना। ठीक है, कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसका जो कार्यपालिका होती, कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है,
राष्ट्रपति होता है। वास्तविक शक्तियाँ जो है किसमें निहित होती हैं, मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मतलब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की धीरे धीरे कहानी खत्म हो रही है, ठीक है। और संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बने यहाँ से, 5 क्वेश्चन बने, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से 3 से 4 बार जब वीडियो देखोगे, ठीक है, सारे डाउट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। अगली शासन व्यवस्था देखते हैं। अभी तक हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसी प्रणाली है, यह वह शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियों और निर्णयों एवं कार्यों के संबंध में काफ़ी हद तक विधायकों से स्वतंत्र होता है, ठीक है। यह रूल्स कहाँ पे फॉलो होता है, ये USA में है, कि ऐसा नियम कहाँ है, वो USA में है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं था, बट मैंने इंक्लूड इसलिए कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। अगला जो है, एक मिनट, अगला जो हमारा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है, तो बहुल कार्यपालिका जो है वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली कि बहुल कार्यपालिका वाला देश कौन सा है, तो हमारा वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला पॉइंट है हमारा, कि जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति है उसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य संघीय परिषद में निहित होते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्य संघीय परिषद में निहित होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, बट पीसीएस लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जो संसदीय सरकार को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। संसदीय सरकार जो है उसके कई नाम हैं। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कैबिनेट सरकार बोलते हैं, ठीक है, उत्तरदायी सरकार बोलते हैं, या सरकार की वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसदीय सरकार को अन्य किन नामों से जाना जाता है, संसदीय सरकार को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो संसदीय सरकार को किन नामों से जाना जाता है, तब जो है ऑप्शंस में ये ऑप्शन ज़रूर रखता है, ठीक है, ये ऑप्शन ज़रूर रखता है, सरकार की वेस्ट मिस्टर प्रणाली। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो संसदीय सरकार को 3 नामों से जाना जाता है, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और सरकार की वेस्ट मिस्टर प्रणाली, ठीक है। जो व्यवस्था यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, यह जो व्यवस्था यहाँ पर यह है, यह व्यवस्था जो है, ठीक है, वो ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है और अपने भारत में है और कई देशों में भी प्रचलित है, ठीक है। संसदीय जो शासन प्रणाली है वो कहाँ कहाँ पर है, तो वह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, ठीक, ऐसे कई देश हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, वह USA में, ठीक है। और बहुल शासन प्रणाली, ठीक है, तो वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। भारत के अंदर शासन व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि जो भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर का पूछा जाता है कि जो भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन ये यहाँ अगर पूछेगा तो ये भारत नहीं पूछता है, डायरेक्टली पूछेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति,
या संसद, संसद का ऑप्शन बहुत देता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। और वह उसका जो प्रयोग है वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, ठीक है। ये जो संसद की, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, इसका जो प्रयोग करता है या तो वो स्वयं करेगा या तो वो अपने द्वारा चुने गए किसी अधिकारी के द्वारा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और दिखा दें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ चलो देना, यहाँ से संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, आपने अभी जस्ट पढ़ा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? वो मंत्रिपरिषद करता है। अब क्वेश्चन आपको घुमा देगा, जब आपसे वास्तविक रूप में पूछेगा तब आपको मंत्रिपरिषद लगाना है, और जब संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछेगा डायरेक्टली किसमें निहित होती है, तब आपको राष्ट्रपति लगाना है, ठीक है। और जब वास्तविक पूछेगा तब मंत्रिपरिषद, और जब ऐसे पूछेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तब राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कौन होता है? सभी को पता है भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूरा फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। जबकि सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, अब यहाँ से हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 52 के जो अनुसार है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 में एक पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 52 में एक होगा शब्द आता है, ठीक। होगा शब्द, होगा शब्द का मतलब होता है शैल बी, आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में। इसका क्या मतलब है? शैल बी का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पथ नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पद है, अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा, ठीक है। मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता, ठीक, कभी भी खाली नहीं रह सकता। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता, ठीक है, और ना तो इसे कभी लुप्त किया जा सकता है। यहाँ पे तृप्त हो गया, यहाँ पे ना तो कभी लुप्त किया जा सकता है, मतलब ना तो कभी इस पद को हटाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ना इसे कभी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। मैं कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है उसका जो पद होता है वो कभी खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई उस पर रहेगा, और इसे कभी किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही है, ध्यान रखना, जो इंडियन गवर्नमेंट की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही वो किसके नाम से जानी जाती है? तो वो राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है। फिर भी राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। यहाँ पे देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, फिर भी राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। अब क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका की वास्तविकता है, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है, तो इसका पावर जो है सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के पास हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसकी कार्यपालिका कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित की जाती है, समझ गए, ठीक है। देखिए यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने राष्ट्रपति से, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देख के 2-3 बार देखेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, संघ की कार्यपालिका में, अब देखना संघ की कार्यपालिका में देखो कौन कौन शामिल होता है। तो संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद होते हैं, और
भारत का महान्यायवादी होता है। इतने लोग संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन ही कहाँ, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि संघ निम्न में संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो जो शामिल होते हैं उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जो नहीं शामिल है वो अगर उसका ऑप्शन आएगा तो आप ऑटोमेटिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन राज्य का भी प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है आर्टिकल जो है 58। अब देखते हैं आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद भी पूछ लेता है, यूपीपी वाले बच्चे ना बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 58 में जो क्या कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति के पद की कुछ योग्यताएं हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद की कुछ योग्यताएं हैं, या राष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर एक, वह भारत का नागरिक हो, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, पहला फैक्ट। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु जरूरी है, तो 35 वर्ष, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये तीन पॉइंट हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होता है उसको कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, क्या शर्तें हैं आगे देखते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जब नामांकन के लिए जाता है तो न्यूनतम 50 निर्वाचित प्रस्तावक होने चाहिए उसके पास, 50 निर्वाचित द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव, तथा न्यूनतम 50 अनुमोदन, ठीक। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ, ठीक है, इसे समझिएगा कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, बस इस अनुमोदक होने चाहिए। इस लाइन का कहने का मतलब पूरा यही है, ठीक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, आप इसको मत पढ़िएगा, इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक जरूरी है, समझ गए। चलिए अब कुछ नोट से ध्यान देना, ठीक है। 1997 से पहले, ठीक है, मतलब जब मेरा जन्म हुआ था 1997, इससे पहले, ठीक है, जो प्रस्तावक थे, यहाँ पे प्रस्तावक का होना चाहिए, जो प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या थी वो कितनी थी, 10-10 थी, मतलब 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए। 1997 के बाद, ठीक है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक बढ़ा, मतलब 40-40 संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। कब बढ़ा दी गई, 1997 से पहले, पहले कितनी थी, ठीक, 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक, 1997 के बाद 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को, मतलब जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या सरकारी खजाना में जमानत के रूप में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, ठीक है। आपको RBI या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन ही डायरेक्टली यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ती है, तो 15,000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है कि यदि कोई उम्मीदवार या जो राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार है वो कुल वैध मतों का, अब देखिए हम यहाँ पे वधों का जो फार्मूला होता है वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो फार्मूला कहीं नहीं पूछा जाता है। अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, वो भी कब, इंटरव्यू में, इंटरव्यू में पूछते हैं, बाकी नॉर्मल कहीं भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता, अगर वो कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जो जमानत राशि थी कितनी थी, 15,000 रुपये,
वो जब्त हो जाती है, या अगर आरबीआई के पास है तो वो जब्त कर लेता है, ठीक है, वो उसे वापस नहीं लौटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी सदन, ठीक है, संसद के किसी सदन, अब संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो सबसे पहले होता है लोकसभा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, 2 मिनट का खेल है, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, ये 2 सदनों के बारे में बात कर रहा है, समझ गए। चलिए, चलो, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक। आगे जब हम राज्य के विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा कि जो राज्य सरकार है वो कैसे काम करती है, ठीक, इसी तरीके, इसी के बेस पे बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो ना तो लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, सॉरी, ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक, और ना तो राज्यसभा का होना चाहिए, और ना तो राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है, ठीक है, वो किसी कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति पद का जो व्यक्ति है वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 59 में, 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 54 में देखते हैं थोड़ा सा बहुत क्या है, अनुच्छेद 54 में कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं निर्वाचन मंडल में संसद के तीनों को पुनरुद्धार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट गलत हो गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है उसके जो निर्वाचन होता है, ठीक है, उसमें संसद के तीनों सदन होते हैं, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद के तीनों, यहाँ पे गलत हो गया, संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। मैं यहाँ से मोटा मोटा आपको फिर से बता देता हूँ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद, उसमें लोकसभा, एक मिनट, उसमें जो है लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा, 17वें संविधान संशोधन 1992 में कुछ घटना घटित हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। 17वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है और पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो उसमें, ठीक है, कि जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और पुडुचेरी, ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी तथा संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष मतलब यहाँ आप ये समझिए कि जो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जिसमें आम पब्लिक वोट नहीं देती है, प्रत्यक्ष जैसे आम प्रधान को चुनते हैं, ठीक है, लोग प्रधान को चुनते हैं, जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं, ठीक, किसी मेंबर को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 55 में क्या है, आर्टिकल 55 में यह निर्धारित किया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ऐसा किस आर्टिकल में दिखाया गया है, तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
अगला जो हमारा आर्टिकल 56 में देखते हैं, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। जैसे आज की तारीख है 5/4/2022, ठीक है। अगर वो आज इस तारीख को पद ग्रहण किया है तो अगले 5 साल तक वो इसी तारीख तक पद ग्रहण करेगा, ठीक है। आगे कुछ नियम है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। संविधान का आक्रमण नहीं है, यहाँ पे गलती है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक, अनुच्छेद 61 से उपबंधित महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति को हटाते हैं किसी कारणवश, वो संविधान के नियमों को पालन नहीं करता है, तो उस पर हम महाभियोग लगाते हैं, उस पर भी महाभियोग पब्लिक नहीं लगाती है, ठीक है। वो किस आर्टिकल के तहत लगाती है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाती है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, दो ध्यान रखना। कहता है यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग से रिक्त हो, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो गई या किसी कारणवश उस पर महाभियोग चलाया गया, ठीक है, तो उसका पद अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति जो है उसके पद पर, यहाँ पे ध्यान रखना, उसके पद पर कार्यवाहक, ये चीज़ ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ऐसा नहीं फिर राष्ट्रपति बन गया तो 5 साल तक काम करेगा, नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और उसके द्वारा, अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आ गया तो उसके द्वारा किया गया सारा कार्य, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पद के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा, ठीक है, जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। हाँ, यहाँ पे समझना, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आज 6 तारीख 4th महीना 2022 है, ठीक है, बाई चांस 5 साल तक उसने 6/4/2022 ठीक है 2027 तक उसका कार्यकाल है, ठीक, और किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, 6/4/2027 तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आगे 7, 8, 9, 10 जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति के रूप में यही व्यक्ति काम करेगा जो पहले है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर राष्ट्रपति का पद जो रिक्त है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके पद को 6 महीने के भीतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है उसको 6 महीने के भीतर, ठीक, भरना अनिवार्य है या उसका चुनाव करवाया जाना अनिवार्य है, इतना समझ लीजिए। चलिए, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बहुत अच्छी बात है हमारे संविधान के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। भाई राष्ट्रपति तभी बनेगा जब उसकी योग्यताएँ वो पूरी करेगा, ठीक है, योग्यताएं वो पूरी करेगा, ठीक है, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, लेकिन अमेरिका कैसा देश है, वहाँ का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है, ठीक है, और वहाँ एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दो बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब 8 साल उसका कार्यकाल हो सकता है, अगर दो बार बन गया तो 8 साल हो गया, ठीक है, अगर दो बार बनने के बाद फिर वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति होता है इसके बारे में क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, यहाँ पे न्याय एवं नहीं होगा,
जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो इस कार्य को संपन्न करेगा या वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की गैर मौजूदगी में। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो किसमें है, तो वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किसमें है, आर्टिकल 60 में इसके शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 59, ठीक है, 59 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास उपलब्ध होगा, जिसको हम अच्छे से बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है, ऐसा किसमें कहा गया है ये उसको उपलब्ध होगा, तो ये आर्टिकल 59 में बताया गया है कि उसको निःशुल्क निवास उपलब्ध होगा, ठीक है। तो भाग टू हम देखते हैं कल के वीडियो में, भाग वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति से रिलेटेड, चाहे जितना बेहतरीन एग्जाम आप दीजिए, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, बहुत अच्छे से हम तैयारी करा देंगे, जीएस बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। इसी वजह से हम विविध की भी एक सीरीज चला रहे हैं, विविध की एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे विविध जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीएस, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीएस, ठीक है, ठीक, लगभग 30 चैप्टर लेके आएंगे, 7-8 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सभी की लिस्ट हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मौजूद अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। बट प्लीज़ जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।